हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से वेलकम है आज के अपडेट में। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर जो अभी आई है 2-3 घंटे पहले ही, एंड मैं फिलहाल इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था थोड़ा बहुत और रीड किया, तो कुछ समझ में आया, छोटी मोटी चीज़ें। एंड आई होप इस स्पेस में हर कोई आपको ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी अदर इन्फ्लुएंसर्स हो क्रिप्टोकरेंसी से रिलेटेड, जिसका भी चैनल हो, जो भी हो। तो मैं यहाँ पर अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी जनता को अपनी भाषा में समझा पाऊँ, क्योंकि मैं अपनी जनता को ज़्यादा जानता हूँ एज़ कम्पेयर टू किसी और की जनता को। तो मैं अपनी जनता को समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ऑल्दो आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी इसके ऊपर ऑलरेडी। तो आपको नीचे टाइम स्टैम्प भी देने वाला हूँ, उसी से देख लेना हर पॉइंट को डिटेल में। सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरी वन जो इस मूवमेंट से हमारे साथ जुड़ा है। क्रिप्टो इज लीगल इन इंडिया एंड विल बी टैक्स्ड। पहली चीज, टैक्स लग गया है तो ऑब्वियस ही बात है कि लीगल है ट्रांजैक्शंस उसके, और उसको ट्रेड करना भी लीगल है। बट क्या ये पूरी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव है? तो हर किसी की तरह मैं यहाँ पर आपको न्यूट्रल बायस ही दूंगा कि भैया नहीं, मैं दोनों तरफ के आपको गिनाऊंगा। लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चीज़ें हैं, और यहाँ 20-30% है, एंड ये मिस्टेक हो गई, एक टाइपिंग टाइपो हो गया, एडिट तो नहीं होता ना, ये नहीं होता है, मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा आपके सामने। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लीगल इन इंडिया, ठीक, और पहले पॉइंट को लेकर भी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एडी भाई ने बहुत बढ़िया से सरल भाषा में लिखा भी है, डिजिटल एसेट्स विल बी टैक्स एट 30%। ये आप लोग को समझ में आ ही गया होगा अब तक, तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ आप लोगों को इससे रिलेटेड बात करते हैं। पहली चीज़ तो टैक्स लगेगा 30% का। अब इसमें क्या कोई यहाँ पर एक्सेम्पशन मिलेगा? क्या यहाँ पर कुछ लोगों को छोड़ा जाएगा कि मतलब सब पे लगेगा, जो लोग बड़ा फंड यूज़ करते हैं उन पे लगेगा, सिर्फ कि कम फंड वालों पे? आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा कि जितने भी स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, उनको यहाँ पर टैक्स में कुछ एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, उनको कुछ टैक्स कमी होनी चाहिए उनमें, ताकि वो सही से कर पाए। क्योंकि देखिए 30% टैक्स, हम और आप सब जानते हैं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जितने भी हैं सबके लिए कुछ भी नहीं होगा, ऑल्दो वो 2-3, 20x, 40x सब कमाते हैं, 100x भी कमाते हैं, ठीक, उनके लिए भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं ऐसे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किए हैं, और उन लोगों की हालत ख़राब हो गई है सुन के। अभी मैं आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बताऊँ तो उनके लिए ये बहुत ही एक तरह से बुरी खबर हो सकती है, बट अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती है, ठीक। तो मैं यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहा हूँ, तो अगर यहाँ पर कोई अच्छे टैक्स एक्सपर्ट की राय ली जाएगी तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि 30% के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस रहते हैं, क्या चॉइसेस रहती है, क्या जो स्मॉल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर हैं उनको क्या यहाँ पर कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगी डिडक्शन वगैरह के लिए। नेक्स्ट बात करें आपसे तो नो डिडक्शन टू बी अलाउड एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि आपने अगर जैसे कि यहाँ पर आप देख लो, आपको पता है कि कोई भी आपने जो सेल ली है क्रिप्टो की, तो उसके अलावा कोई भी डिडक्शन नहीं अलाउड किया जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा जो खर्चा है उसको लेकर टैक्स नहीं छोड़ा जाएगा, टैक्स आपका सिर्फ उतने पर लिया जाएगा, और टैक्स को लेकर आप कोई भी यहाँ पर डिडक्शन को लेकर कोई भी ऑफर नहीं मार सकते हो, ठीक, कि ऐसा नहीं था, ऐसा था, यहाँ पर मेरा खर्चा हुआ, वहाँ पर हुआ, ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि SFT यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चाहता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन जाए क्रिप्टो करेंसी या फिर फाइनेंशियल डिजिटल एसेट से रिलेटेड, उनकी जितनी भी सेल होती है तो उनको जो भी जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो कैसे जाएगी, TDS के थ्रू जाएगी। TDS क्या होता है, TDS मैं आपको समझाता हूँ। TDS का मतलब आपको 1% TDS देना पड़ेगा, 1% TDS मतलब हर ट्रांजैक्शन पे आपको देना पड़ेगा, और उसी से वॉल्यूम आपकी क्रिएट की जाएगी, आपका एक बैलेंस शीट बना जाएगा, हर एक यूज़र एक्सचेंजेस पे कितना वॉल्यूम में कितना क्रिप्टो ले रहा है, कौन कितना होल्ड करता है, सब चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट, ताकि वहाँ पर रिपोर्ट भेजी जा सके, चाहे आप WazirX देखो, चाहे आप CoinDCX देखो, सबका होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि Binance में अगर कोई P2P करता है तो वहां पर क्या केस होगा, क्या उसकी इन्फो कैसे ली जाएगी, ये सब चीजें हैं जो बहुत सारे सवाल अभी खुल के आएंगे। सवालों का एक पूरा पेड़ निकला है जिसकी हम यहाँ पर डालियां देख रहे हैं, पर अभी जड़ों पे हम फोकस करते हैं जितना हमें मालूम है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो हायर टैक्स रेट तो लग ही रहा है, 30% टैक्स जो है बहुत ज्यादा होता है। बट यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट में यहाँ पर एक लिखा है कि द गवर्नमेंट शुड नॉट अलाउ एडजस्टमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग ऑन सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी अगेंस्ट एनी अदर इनकम। इस पॉइंट का मतलब यही है कि लॉसेस फ्रॉम सेल ऑफ डिजिटल एसेट्स कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द गेन्स फ्रॉम सेल ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी अगर आपकी टोटल इनकम का जो टैक्स कटता है
आप अगर कोई और दूसरा लॉस है और आपका यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में लॉस हुआ है, तो आपका जो भी लॉस है वो आपकी बैलेंस शीट में ही नोट रहेगा, क्रिप्टोस या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट के ही ट्रांजैक्शन उसी की बेसिस पे वहीं पर नोट किया जाएगा, उससे अलग नहीं रखा जाएगा। आप उस लॉस को कहीं और नहीं जोड़ सकते ताकि आप टैक्स बचा सको। टैक्स बचाने के लिए अक्सर लोग करते हैं कि अपना लॉस दिखाते हैं, तो वो लॉस आप ये वाला नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये ऑल्दो यहाँ पर एकदम क्लियर लिखा है कि द प्राइस ऑफ वर्चुअल यहाँ पर दिया है गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों का नुकसान उस तरह से ना हो और जो लोग गेंस देख के खाली चले जाते हैं इतने ही रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करने या ट्रेड करने, तो उससे बचें लोग, इसीलिए इतना ज़्यादा टैक्स लगाया गया है, उसीलिए इतना ज़्यादा ये लॉस फ्रॉम सेट ऑफ की ऑप्शन नहीं दिया गया है सेट ऑफ करने का। और यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि गिफ्ट जो आप क्रिप्टो में दोगे, चाहे आप बाइनेंस पे आई थिंक दो या फिर आप किसी भी तरह से गिफ्ट करो किसी को क्रिप्टो, जैसे आपको Coin D6 में आई थिंक मिल रहा था, बट आप Coin D6 में सेंड कर सकते हो, या फिर इसमें आप क्या ट्रांजैक्शन कर सकते हो किसी एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज को, उसमें भी लगेगा क्या, ये हमको देखना पड़ेगा। तो फिलहाल अगर हम देखें इसमें कुछ की पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि CBDC की भी बात की गई है, इसकी बात हम लोग बहुत पहले से कर रहे थे। तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट बाई 2023 अ ब्लॉकचेन बेस्ड एंड RBI बैक्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल बी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक, इसकी बात की गई, और ये तो हम मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं आई थिंक कि आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर एक वीडियो भी बनाई दिया मैंने। द क्लैरिटी ऑन टैक्स ऑफ डिजिटल एसेट इज लॉन्ग ओवर ड्यू एंड वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड दिस द अनाउंसमेंट ऑफ ये विद लॉन्चिंग इज ये टू डिस्करेज द सेम एंड वुड इंटेंड दैट ओनली बाय द HNIs मेक सच इन्वेस्टमेंट एंड दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट परमिट क्रिप्टो एज करेंसी। पर एसेट तो कंसीडर कर ही लिया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं होता तो यहाँ पर टैक्स नहीं लगाते ना, साफ बात है। तो नीचे अगर हम आते हैं तो आप देखो एडवाइजर द गवर्नमेंट वॉज एक्सपेक्टेड टू टेक, और कुछ यहाँ पर दिया नहीं इंटरेस्टिंग, यहाँ पर और कुछ दिया नहीं, कुछ भी नहीं। एज यू नो द मैटर ऑफ डिबेट बोथ इनसाइड द गवर्नमेंट इन, सो दिस इज समथिंग दैट करंटली इन डिस्कशन। देर आर सम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इशूज, ये वही इशूज है जो मैंने आपको बताया P2P वाला, बट देर आर ऑल्सो अदर आर्ग्यूमेंट दैट आर मेड इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एंड सो ऑन, ऑब्वियसली अ बैलेंस व्यू इन दिस विल बी टेकन। तो अभी यहाँ पर आने वाले टाइम में यही बोला गया कि कोई भी क्लैरिटी किसी को नहीं है। NFT स्पेस में भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ये भी यहाँ पर दिया गया है खुद ही साफ, एंड कई लोग नाराज हैं, मैंने कई वीडियोज़ में कई न्यूज पे कॉमेंट्स पढ़े थे और रिएक्ट भी किया, इंडिया फाइनली ऑन द पार्ट टू लेजिट, ये निश्चल शेट्टी जी का ट्वीट है और ये बहुत पहले से आ रहा था कि एटलीस्ट टैक्स वगैरह लगाने चाहिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी इससे। अभी यहाँ पर ये देखना होगा कि एक्सचेंजेस कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आपको 1% ट्रांजेक्शन फ़ी देनी पड़ेगी अभी फिलहाल। ट्रांजेक्शन फ़ी यानी कि आप देखो TDS आपका लगेगा 0.1-0.2% आपका बाइनेंस लेता था, ट्रांजेक्शन में वजीरक्स लेता था, फिर उसके साथ आपको 1% वो देना पड़ेगा, तो आपका 1,00,000 रुपये का 1,000 रुपये आपका शायद जाएगा हर ट्रेड में, अगर आप करो, अगर लेजिटली देखें TDS अगर एवरी ट्रांजेक्शन में लग रहा है, तो 1% का मतलब यही होता है। एंड ये 1% इसीलिए लगाया क्योंकि इसको अभी भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी कंट्री रिस्की एसेट देखती है, तो इसीलिए लोगों को डिस्करेज करने के लिए कि इसमें इन्वेस्ट अभी ना करें क्योंकि बहुत रिस्की है, लॉसेज होते हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है ये कम प्रॉब्लम बन गया है, पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आएगी। तो आप लोगों क्या विचार हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने सारी पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, जो भी पॉइंट्स मुझे समझ में आए, जो भी मुझे समझ में आए वो, और जो मुझे नहीं क्लियर हुए वो मैंने यहाँ पर फालतू में कुछ नहीं बोला है, ताकि आप लोग यहाँ पर गाइड मिसगाइड ना हो जाओ। इसलिए जो भी चीज़ें हम लोगों को आने वाले टाइम में क्लियर होगी वो मैं आपके सामने लाऊंगा, डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिलहाल हम लोगों को देखना होगा कि ये कब से स्टार्ट होता है, क्या इसकी क्या प्रोसेस होगा और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा आने वाले टाइम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।